आ रहा है, जन सैलाब है। और माननीय श्री राहुल गांधी जी आज लालबाग मैदान में आएंगे, उसके लिए बस्तर के वासी जन सैलाब उमड़ पड़े हैं, भीड़ लगा हुआ है, चक्का जाम हो गया है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान से लेकर बुढ़ापे तक सब आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राहुल गांधी से मिलने के लिए। और राहुल गांधी जी देश का पीएम बनेंगे ऐसे मानना है। हमारी सरकार ने जहां स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंचा था वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाने का काम किया। आदरणीय साथियों, हमारे बस्तर के कोने कोने में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाने का और पीडीएस और चावल पहुंचाने का अगर काम हुआ है तो हमारी कांग्रेस की सरकार में हुआ है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बस्तर इस 5 साल में बदल रहा है और आने वाला समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी फिर से बस्तर को पूरी तरह से बदलने का काम करना है। हमारे बस्तर के बच्चों को हमारे सुनेंगे, देश और दुनिया देखेगा। आदरणीय साथियों, हमारे बस्तर में हमारे डेरेक्स का डेरेक्स जैसे फैक्ट्रियां खुले जहां यहां के लोगों को रोजगार मिला, यहां की बोली भाषा को संस्कृति को, बस्तर के प्रगति के लिए, बस्तर के उन्नति के लिए आने वाला समय में बेहतर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में चना, नमक और चावल पे बस्तर को उपयोग करता रहा, लेकिन आज हमारे और उसके बाद हमारा टिफिन बांटना, मोबाइल देना, तेंदुपत्ता का जूता बांटने का काम करता रहा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के बच्चों को पुलिस भर्ती में, बस्तर के बच्चों को नौकरी लगाने का काम हुआ है। हमारी सरकार ने इमरी महुआ का पैसा सीधा दिया है आपको कि हम 12 से 12 सीट कर देंगे। आदरणीय युवा साथियों, कार्यकर्ताओं, माता बहनों, मैं बड़ा विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे और पूरे छत्तीसगढ़ से अच्छा संदेश जाएगा। हम चाहते हैं कि बस्तर छत्तीसगढ़ का सत्ता का चाबी बस्तर से शुरुआत होती है। जब पहला चरण का मतदान होगा 7 तारीख को, तो बस्तर से हम फिर भारतीय जनता पार्टी को उतार कर फिर देंगे और हम पहले चरण का 20 सीट पर जीत कर जाएंगे। और हमारा लक्ष्य है पूरा छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में कि 75 सीट। हमारे साथियों, एक बार जोरदार नारे के साथ मल्लिकार्जुन करके जिंदाबाद, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा, एक बार और जोरदार मल्लिकार्जुन करके जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये वनवासी शब्द निकाला है। ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए, जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं। आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना?
मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों ये आपने इनके दिमाग में, आप लोग जंगल के हो, जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी आदिवासी शब्द, कांग्रेस पार्टी किसानों का क्रांतिकारी शब्द, आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक है, आदिवासी का यह मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल आपका हुआ करता था, और वो जंगल जमीन और जल आपके प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और ये उस बात को मानना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने ये नया शब्द निकाला है वनवासी। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं, ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। हमने आदिवासी शब्द आदिवासियों के लिए हमने क्या किया, ट्राइबल बिल लाए, पैसा का कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, और उसमें हमने साफ लिखा था कि जब तक आदिवासियों के गांव की ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर किसी इंडस्ट्री, चाहे वो कितना भी बड़ा होता था, और ये हमने वायदा पूरा किया। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े मित्र अदानी जी यहां पे, मगर अदानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने कैंसिल करके दिखा दिया। गरम हो गया क्यों? क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट यहां नहीं चाहिए। हमने आपकी आवाज का आदर किया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ, किसान को जो हम पैसा देते हैं, मजदूर और किसान उसके पैसे को गांव में खर्च करता है, गांव में खर्च करता है ना। मजदूर और किसान अमेरिका में जाकर खर्च तो नहीं कर सकता, वो गांव में खर्च करता है। फिर फायदा किसको होता है? छोटे दुकानदार को होता है। किसान जाता है, कपड़े खरीदता है, बिस्कुट खरीदता है, बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदता है, फायदा छोटे दुकानदार को होता है। तो पूरा का पूरा पैसा गांव में पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, यहां पे कहते हैं अदानी जी को जमीन दो, अदानी जी आपकी जमीन छीन लेते हैं, आपके लोग मना करते हैं, आदिवासी खड़े होते हैं, कहते भैया हमारी जमीन ले रहे हो, बीजेपी की सरकार आप पर गोली चलाती,
पहली मीटिंग में छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मैं खेत में गया, मैंने 2 घंटा धान काटा। वहां पे किसानों से मैंने पूछा, आम किसान से मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आपका कर्जा माफ हुआ? मुझे कहते राहुल जी आप क्या कह रहे हो, मेरा कर्जा माफ हुआ जो मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मैंने गाड़ी खरीदी है राहुल जी, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं। मैंने और जो हमने कर्जा माफ किया, हमारे बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फर्क समझिए, हमने जो 2640 रुपए देते हैं वो पैसा कहां गया? हमने किसान का कर्जा माफ किया, किसान ने वो पैसा अपने गांव में खर्च किया। मजदूर को हम पैसा देते हैं, पहले हम 7,000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद हम होता है वो पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, आदिवासियों को देते हैं, उससे आपका गांव में फायदा होता है। यहां पर उदाहरण देता हूं, आपसे पूछता हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मांग बैंक के लोग, आप देख लेना, बीजेपी के लोग में वनवासी बोलने का दम नहीं रहे, मिटा देंगे शब्दों हिंदुस्तान। ये आप आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे और ये देश का जल जंगल मोदी की किसानों को तोहफा 2,000 शौचालय दिया निर्धन के द्वार, बिजली पानी के चूल्हा दिया सरहद के तो कमे चौकीदार। दुनिया में देश का सीना चौड़ा हुआ है, तो वोट वालो मोदी को चुनो, ओ वोट वालो मोदी को चुनो। सालाना 65,000 वाले हम न्याय योजना लाएंगे, कर्जा माफी शिक्षा से हक पर राजद्रोह को हटाएंगे। ये जुमले बाज हैं, इनकी ना सुनो।